अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अफोर्डेबल सी बेस शेयर करने जा रही हूँ। ये जो बेस है फाइनल टच की है, एंड इसके अलावा इसको HD बेस भी कहते हैं, एंड इसके अलावा HD बेस के अलावा इसको मूज बेस भी कहते हैं, मैट मूज बेस। सो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी इस तरह की जो अफोर्डेबल बेस होती है किस तरह के फेस पे सूट करती है, एंड इसके अलावा अगर आप इसको बाय करते हैं तो क्या आपको इसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। सो ये आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ही स्मॉल सी पैकेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी पैकेजिंग है। ये जो मेरे पास शेड है आप देख सकते हैं FS36 नंबर है मेरे पास, एंड इसके अलावा इस बेस को फाइनल टच कॉस्मेटिक बेस भी कहते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, यानी 150 to 200 के अंडर ये मिल जाती है, यानी इतनी अफोर्डेबल प्राइस में ये बेस मिलती है। सो इस साइड पर आप देख सकते हैं इसमें मैंशन हुआ होता है अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मखमली टच देता है ये आपके फेस पर, मगर अगर आप इसको यूज़ करेंगे, आजकल जो वेदर चल रहा है काफ़ी ड्राई सा चल रहा है, इस वेदर पे अगर आप कोई से भी मैट बेस यूज़ करते हैं अपने फेस पे तो आपका जो बेस है वो कहीं कहीं पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, तो आप उसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या फिर कोई सा भी फेस सीरम यूज़ करते हैं ताकि आपकी बेस स्टे करे। सो अगर आप इस विंटर के सीज़न में इसको यूज़ करते हैं, अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है या फिर ऑयली है किसी भी स्किन पर अगर आप इस बेस को यूज़ करते हैं, एंड इसके अलावा इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पैक में आता है, इस तरह का होता है, एंड इसके अलावा इसको कलर आर्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सो जिस तरह से डिफरेंट मूज बेस आते हैं उसी तरह से इसकी पैकेजिंग होती है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग होती है, एंड ये जो पैकेजिंग है प्लास्टिक पैकेजिंग है, लेकिन आपको दिखने में ऐसा फील हो रहा होता है जैसे ये कांच की होती है, मगर ये प्लास्टिक की होती है, काफ़ी अच्छी सी होती है। सो ये जो नंबर है FS36 है, यानी कि मीडियम टोन पे इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा अगर आप फेयर पे चाहते हैं तो 38 को यूज़ करें, इससे ज़्यादा फेयर चाहते हैं तो 45 का नंबर लेंगे, यानी कि आप जब भी कोई बेस बाय किया करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ किया करें, अगर आपकी स्किन पे जो सूट करें वही यूज़ करें, अगर सूट ना करें तो उसको अप्लाई ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपको बहुत ही मसला होता है, आपकी जो ग्रे हो जाती है बेस, एंड इसके अलावा आपके फेस पे सूट नहीं करती। सो ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका कलर होता है, एंड इसके अलावा जिस तरह से नॉर्मल बेस होती है इसी तरह से ये भी बेस होती है, और इसका जो टेक्स्चर है वो मैं आपको शुक्रवा देती हूँ। सो समर के सीज़न में मैट बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, एंड इसके अलावा अगर आप इसको विंटर में यूज़ करेंगे तो किस तरह से यूज़ करेंगे आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से फुल होती है, ये जो बेस होती है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में होती है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मेकअप आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये अप्लाई हो जाती है, एंड इसके अलावा अगर आप इसको ब्लेंड वगैरह करेंगे तो अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो जाएगी, मगर आप कोशिश किया करें इस तरह की जब आप कोई सी भी अफोर्डेबल बेस यूज़ करते हैं तो सबसे पहले प्राइमर वगैरह लगा लिया करें, उसके बाद इसको यूज़ अगर आप प्राइमर वगैरह के अलावा भी अगर इस बेस को लगाते हैं तो आपका मेकअप रेडी हो जाता है, मगर थोड़ी देर में ही क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, आपके बेस जो है ख़राब हो जाती है, फटने लगती है, तो कोशिश किया करें पहले अपना फेस प्रिम कर लिया करें उसके बाद इसको यूज़ किया। सो ये जो मूज बेस है काफ़ी ज़्यादा स्टे करती है, डिफरेंट टाइप की मूज बेस आप जब अपने फेस पे अप्लाई करते हैं किसी भी ब्रांड की लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, ऑल टाइप स्किन पे सूट कर जाए। सो ये जो बेस है आप इसको ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, मगर जो ड्राई स्किन होती है या कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव स्किन, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई सा भी फेस सीरम अपने फेस पे लगा लिया करें ताकि आपका जो फेस है वो मॉइस्चराइज अच्छी तरह से हो जाए, एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फेस सीरम ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, मगर आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लाजमी यूज़ करना होता है। इस बेस को आप डिफरेंट मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, पार्टी मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले अपना फेस प्रिम कर लिया करें, यानी कि आप पहले सबसे पहले कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, उसके बाद फिर आप कोई सा भी बेस्ट प्राइमर यूज़ करें, एंड लास्ट में फिर आप ये मूज बेस अप्लाई करेंगे, मूज बेस अच्छी तरह से फेस पे लगा लें, उसके बाद आप अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करने के बाद आप कोई सा भी सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर, फाइनल टच की बेस किस तरह की है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।